वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर दैट इज स्किल डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड चैप्टर टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज के बारे में था, जिसमें हमने जाना कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखाएंगे कि वो टेक्स्ट का रेस्पॉन्स करें। रेस्पॉन्सेज हमारे पर्सनल, क्रिएटिव, क्रिटिकल, इन सब के बारे में हमने समझा था कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखा सकते हैं। साथ साथ उसमें था कि मीनिंग मेकिंग के लिए जो हम रीडिंग प्रोसेसेस, रीडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, उसमें मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस कैसे होती है और हम उसका कैसे यूज करते हैं, ये सब हमने सीखा था। कि हमने स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि जब वो टेक्स्ट का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें जो रीडिंग प्रोसेस, रीडिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, उसमें मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस होनी कितनी जरूरी है। अब इस चैप्टर में हमने टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करते हुए स्किल डेवलपमेंट करनी है। मींस रेस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट, ये तो है कि जो भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका बारे में हमने बताना है, उसमें जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर देना है, लेकिन इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, करते हैं, उनके मेनली ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि हमने स्किल डेवलपमेंट करनी है, और मेनली जो हमारी स्किल्स होती हैं वो यही हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि हमारी लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की भी हैं, ये स्किल्स हमारी हैं जो हमने डेवलप करनी है। अब टेक्स्ट रिस्पॉन्स के दौरान हम स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हमने इस चैप्टर में सीखना है। स्किल डेवलपमेंट करने के काफी सारे तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिकेटर्स ऑफ टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमारे थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। मींस हमने उन इंडिकेटर्स के बारे में जानना है जो कि टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब होता है संकेतक, मींस ऐसे संकेतक जिनकी वजह से हम टेक्स्ट को और डिटेल में समझ सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में, हमने उसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम अच्छे से सीखें, समझें और जवाब दे पाएं। मेनली जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं वो हैं रिटेलिंग, समराइजिंग, आंसरिंग, प्रिडिक्टिंग, कमेंटिंग एंड डिस्कशिंग। मेनली ये 6 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने जानना है, तो आइए इनको हम डिटेल में एक एक करके समझें। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। रीडिंग विद ए पर्पज हेल्प्स द रीडर टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स ए गोल एंड फोकसेस देयर अटेंशन। ऑल्दो द रीजंस फॉर रीडिंग मे वेरी, बट द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। मीन्स रीडिंग का मतलब ही है जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना, उसके बारे में समझना। अगर हम किसी पर्पस से रीडिंग कर रहे हैं तो वो रीडर की हेल्प करेगा कि वो इंफॉर्मेशन को ज्ञात करे, क्योंकि उसका गोल, उसका फोकस क्या उसने ढूंढना है, उसकी तरफ उसने अटेंटिव रहना है, अटेंशन देनी है। चाहे रीडिंग के पीछे हमारा कोई भी रीजन रहे, लेकिन प्राइमरी पर्पस तो रीडिंग का यही होता है कि हम टेक्स्ट जो कि हम पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट को अच्छे से समझें कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। बिकॉज रीडिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस, रीडिंग तो है ही थिंकिंग प्रोसेस, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। इसमें हम सोचते हैं, जो हम पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ उसके बारे में हम समझते हैं, सोचते हैं अपने विचारों से और चीजों से, हम अपने अंतर्ज्ञान से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसी रीडिंग प्रोसेस को और टेक्स्ट को अच्छे से समझने के लिए काफी इंडिकेटर्स होते हैं, काफी संकेत होते हैं, पद्धतियां हैं जिससे हम इनको अच्छे से समझ पाते हैं। मींस जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे कौन कौन से इंडिकेटर हैं उनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, और इसमें सबसे पहले आता है रीटेलिंग। स्टूडेंट्स, ये जो हम पॉइंट्स कर रहे हैं ये एक तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, क्योंकि टेक्स्ट रिस्पॉन्स मेनली जो होता है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ही होता है। और जैसा कि हमारे इस यूनिट का नाम ही है स्किल डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के थ्रू हम ये देखेंगे कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है। मेनली जो लर्निंग का मेन पार्ट है, मीन्स जो सीखना है, द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ लर्निंग इज टू अचीव हायर स्किल्स एंड द पाथ टू ट्रेवल फॉर दैट। कि लर्निंग का मेनली पार्ट ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऊंचे अपने स्किल्स को प्राप्त करें और वो रास्ता ढूंढें जो हमें इन तक पहुंचाता है।
और टेक्स्ट रिस्पॉन्स ही इन स्किल्स को डेवलप करने का सबसे अच्छा माध्यम है और उन टेक्स्ट रिस्पॉन्स के इंडिकेटर्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे एक एक करके, जिनमें अब हमारा सबसे पहले आ रहा है रीटेलिंग। स्टूडेंट्स, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद वी रिमेम्बर दैट व्हाट वी हैव रीड, कि हम ये याद करते हैं, हम ये याद करने की कोशिश भी करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। और इसको मींस रिमेम्बर करने का सबसे ऑर्गेनाइज्ड वोकल वे है प्रोसेस ऑफ रीटेलिंग, कि रीटेलिंग के माध्यम से हम ये याद कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। टेक्स्ट को दोबारा बताते हुए मींस रीटेल करते हुए, जो भी इसे दोबारा बता रहा है मींस जिस रीडर ने वो टेक्स्ट पढ़ा है, जब वह इसे अपने टीचर को, अपने साथ क्लासमेट्स को या जिसको भी वो ये दोबारा बता रहा है, तो सबसे पहले तो वह इसे अपनी मसल मेमोरी को यूज करते हुए स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसको अपने कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ रिलेट करते हुए बताता है। स्टूडेंट्स, मसल मेमोरी मीन्स द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ए पर्टिकुलर मोमेंट विदाउट कॉन्शियस थॉट्स, मीन्स अपने कॉन्शियस थॉट्स को रिप्रोड्यूस करे बिना नॉर्मली जनरली बात करते हुए हम किसी बात को वैसे ही बता दें, मतलब सरसरी नजर से देखना जिसे कहते हैं, या बहुत ही कम शब्दों में बता देना इस तरह से जो हम कहते हैं, तो टेक्स्ट को पहले रीडर इस तरह से बता देता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसे बारी बारी बताता है, औरों को बताता है, समझाता है, तो वो इसे इन बातों को अपने कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ रिलेट करता हुआ बताता है। कॉग्निटिव प्रोसेस मींस वो अपनी कॉन्शियसनेस को इसमें यूज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे से अपने विचारों से समझते हुए वो टेक्स्ट को अच्छी तरह से बताता है। टेक्स्ट रीड एंड टेक्स्ट रीटोल्ड, टेक्स्ट को पढ़ना और टेक्स्ट को दोबारा से बताना, ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं और इनको हमें मैकेनिकल सुपर इम्पोज की तरह नहीं देखना चाहिए। मींस ये हम ये ना देखें कि ये दोनों वन एंड द सेम थिंग हैं, जो सबके लिए, अगर एक के लिए फिट है तो दूसरे के लिए भी होगा, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट रीड करना अलग बात होती है, जबकि टेक्स्ट को दोबारा से बताना, रीटोल्ड करना अलग चीज है, मींस रीटेलिंग अलग बात है। रीटेलिंग वो है जब रीडर अपनी पढ़ी हुई स्टोरी या किसी भी टेक्स्ट को अपने खुद के शब्दों में बताता है, उसके बारे में सभी डिटेल्स बताते हुए। रीटेलिंग रीडर को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो उसमें ये अच्छे से बता सके कि उसने उस टेक्स्ट में क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया, टच किया, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज इसको अच्छे से करना और उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, मींस अपने विचारों से अपने आप खुद मीनिंग समझते हुए उसने टेक्स्ट में जो भी पढ़ा उसे अपने शब्दों में दूसरे को बताना रीटेलिंग कहलाता है। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि बारी बारी टेक्स्ट को बोलने की वजह से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। हमारे टॉपिक का नाम ही है, मेन टॉपिक ही हमारा स्किल डेवलपमेंट है, तो इसमें देखा हमने स्टेप बाय स्टेप हर तरह से हम देखेंगे कैसे स्किल डेवलपमेंट हो रही हैं, तो रीटेलिंग के प्रोसेस में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रीडर की डेवलप हो जाती हैं। मेनली रीटेलिंग में हमारे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, डीकंस्ट्रक्ट एंड रीकंस्ट्रक्ट। डीकंस्ट्रक्ट मीन्स होता है ए टेक्निक ऑफ लिटरेरी एनालिसिस दैट रिगार्ड्स मीनिंग एज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन वर्ड्स रादर देन देयर रेफरेंस टू द थिंग्स, कि हम उन वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझें जो वो बताना चाह रहे हैं, बजाय कि वो किसी और चीज का रेफरेंस दे रहे हैं जिसके लिए वो खड़े हैं या जिसके लिए उनका प्रयोग हुआ है। और रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है फिर से बनाना, पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्ट। तो ये जो हमारी दो प्रोसेस हैं, डीकंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट, ये हमारे रीटेलिंग के प्रोसेस में ही है और इनका यूज करते हुए हम रीटेलिंग से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग टेक्स्ट रीडिंग में हायर लेवल एक्टिविटी है।
समराइजिंग इज आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स एंड कंडेंस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन टू देयर ओन वर्ड्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग टू सॉलिडिफाई मीनिंग. अर्थात समराइजिंग का अर्थ है जो हमारे टेक्स्ट में की एलिमेंट्स हैं और जो हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है टेक्स्ट में उसे अपने शब्दों में प्रयोग करना रीडिंग के दौरान और रीडिंग के बाद ताकि हम उसके मीनिंग को समझ सकें और समझा सकें. समराइजिंग रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू अप्लाई द स्किल ऑफ डिटरमाइनिंग इम्पोर्टेंस इन द टेक्स्ट एंड देन एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंट आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स. मीन्स समराइजिंग में ये जरूरी होता है कि स्टूडेंट्स अपनी स्किल ऑफ डिटरमाइनिंग मीन्स वो कैसे उसको समझ पा रहे हैं टेक्स्ट को क्या समझना है उस स्किल को अप्लाई करें जो टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर जो इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं उनको अपने शब्दों में व्यक्त करें. मीन्स समराइजिंग से हमारे स्किल ऑफ डिटरमाइनिंग इम्पोर्टेंस ये जो स्किल है इसकी प्रैक्टिस होती है और डेवलप होती है. अधिकतर जब स्टूडेंट समराइज करना सीखता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में डिटेल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है बजाय कि वो मेन आइडिया सोचता है मेन आइडिया जो पैसेज में है उसके बारे में पता लगाता है उसे जो जो डिटेल्स मिलती हैं वो उसे इकट्ठा करने लग जाता है. तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि टीचर्स अपना टाइम दें स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा और उन्हें ये समझाएं कि हमें टेक्स्ट समराइज करते हुए किन किन बातों पे ध्यान देना है मेनली टेक्स्ट समराइजिंग का पर्पस क्या है ये हमें बच्चों को सिखाना है जिसके द्वारा बच्चे ये समझ सकें कि समराइजिंग है क्या. और ये दोनों बातें डिटरमाइनिंग इम्पोर्टेंस एंड समराइजिंग टू हेल्प स्टूडेंट बिकम्स प्रोफिशिएंट विद बोथ स्ट्रेटेजीज मींस टीचर को अपना टाइम देते हुए ये बताना है बच्चों को कि इम्पोर्टेंस क्या है और समराइजिंग हमने कैसे करनी है क्यों करनी है ये सब टीचर बच्चों को अच्छे से समझाए. तो हम देखेंगे कि मेन पर्पज समराइजिंग का है क्या. द पर्पज ऑफ समराइजिंग आर उसमें हमारे मेनली चार पॉइंट्स आते हैं जिसमें सबसे पहला है टू आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसे पहचाने और ऑर्गेनाइज करें. टू आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सेकेंड वन इज टू वेरीफाई मीनिंग ऑफ टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट में हमें क्या बताया जा रहा है हम उसे ध्यान से समझें वेरीफाई करें. थर्ड वन इज टू गेट द कोर ऑफ द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड द मेन आइडिया हम टेक्स्ट को अच्छे से समझें कि उसमें क्या बताया जा रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसे समझें. एंड द फोर्थ वन इज टू मेक होल सेंस ऑफ द टेक्स्ट एज ए होल इस टेक्स्ट में क्या बताने की हमें कोशिश की जा रही है हमें क्या समझाया जा रहा है हम उसके बारे में जाने. तो ये हमारे ये चार पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि टेक्स्ट को समराइज करने का पर्पज है क्या. हालांकि समराइजिंग हमारी होल टेक्स्ट पे मतलब पूरे टेक्स्ट पे रीडिंग करते हुए एक साथ भी हो सकती है लेकिन प्रॉपर समराइजिंग करने के हमारे कुछ रूल्स भी होते हैं क्योंकि ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है और जिसके आउटकम डिजायर्ड होते हैं मींस इट इज एन पर्पसफुल एक्टिविटी विद डिजायर्ड आउटकम हमें समराइजिंग से रिजल्ट चाहिए ही होता है. तो ये इसी वजह से एक पर्पसफुल एक्टिविटी बन जाती है. इसीलिए समराइज करते हुए स्टूडेंट्स को कुछ मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है. तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाइल समराइजिंग स्टूडेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ सम मेन पॉइंट्स दैट आर मस्ट यूज ओन वर्ड्स कि अपने खुद के शब्द यूज करें. एस्केप ट्रिवियल थिंग्स ट्रिवियल मीन्स तुच्छ मतलब ऐसी बातें ऐसी चीजें जिनकी हमें एक्सप्लेन करते हुए टेक्स्ट को समराइज करते हुए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो हम उसे एस्केप कर सकते हैं छोड़ सकते हैं. थर्ड वन इज लर्न टू स्किम द टेक्स्ट
स्कीम का अर्थ होता है मंथन करना, सोचना, और साथ साथ इसका ये मतलब है कि हम एक से दूसरी बात को मिलाते हुए, मतलब एक को आधार बनाते हुए दूसरे के साथ साथ उसको जोड़ते हुए टेक्स्ट को समझते चले जाएं। तो ये हमने सीखना है कि किस तरह से एक पॉइंट को दूसरे के साथ जोड़ते हुए हम उस टेक्स्ट को समराइज करें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज फाइंड द डिटरमाइनिंग एरियाज विच डिफाइन द टेक्स्ट। हमने ऐसे एरियाज को समझना है, ढूंढना है, जो टेक्स्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट की इम्पोर्टेंट बातें जिस एरिया में हैं हमने उसे ढूंढना है। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए नॉन फिक्शन टेक्स्ट इज टेकन फॉर समरी टेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉजिकल रिलेशन अमंग टेक्स्ट पार्ट मस्ट नॉट बी लॉस्ट। मतलब जब हम समरी के लिए नॉन फिक्शन टेक्स्ट को हम यूज कर रहे हैं तो हमें टेक्स्ट स्ट्रक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मींस टेक्स्ट स्ट्रक्चर का कहां और कैसे यूज किया गया है, कौन सा टेक्स्ट स्ट्रक्चर यूज किया गया है। लॉजिकल रिलेशन इनके बीच में ये है कि जो टेक्स्ट पार्ट है, मेनली जो इसमें हमें बताया जा रहा है उसको हम खो ना दें, हमने डिटेल में समझना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटल, कैप्शंस, हेडिंग आर इम्पोर्टेंट फॉर टेक्स्ट समरी। टेक्स्ट समरी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम टेक्स्ट का टाइटल, कैप्शंस, हेडिंग, इन सब को हम अच्छे से समझें, तभी हम टेक्स्ट को भी ध्यानपूर्वक और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग रीडिंग स्टूडेंट रीडर्स मस्ट कीप ट्रैक ऑन द लाइन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, देयर कुड बी ए ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर और सिंपल मैपिंग फॉर दैट। मीन्स रीडिंग के दौरान स्टूडेंट रीडर्स को, मीन्स जो भी उसे पढ़ रहा है, उसे लाइन ऑफ प्रोग्रेशन के ट्रैक पर रहना चाहिए। मीन्स जो हमारी प्रगति की लाइन है, जिसके प्रगति की लाइन का अर्थ है कि जिस एक ट्रैक पे हम बढ़ रहे हैं, आगे आगे कुछ नया समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उस ट्रैक पे ही बने रहना है, चाहे ये अब हमारा ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर हो सकता है या सिंपल मैपिंग, कुछ भी, मतलब हमारा रास्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रोग्रेस की ओर आगे इसे मिलाते हुए बढ़ते चले जाना है, तभी हम टेक्स्ट की अच्छे से समरी कर पाएंगे, उसे समराइज कर पाएंगे। ये हमारा समराइजिंग था। नेक्स्ट वन इज आंसरिंग। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, सबको पता है, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देना। लेकिन टीचिंग लर्निंग में, कंप्रिहेंशन प्रोसेस में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूज टेक्निक है। किसी भी टेक्स्ट का, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ही बेसिक और इजीएस्ट प्रोसेस है, जिससे हम कॉम्प्रिहेंशन की डिग्री का, लेवल का पता लगा सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को ये एडवाइस की जाती है कि वो हमेशा से उस चीज से अपने आप को फेमिलराइज कर लें जो कि क्वेश्चंस उन्होंने फेस करने हैं। मींस वो टेक्स्ट को समझ के ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझ लें। क्वेश्चंस हमें एक डायरेक्शन देते हैं इस बात पे कि स्टूडेंट्स को टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ने की जरूरत है, और क्वेश्चन हमारे किसी भी तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, इवेल्यूटिकल, थॉट प्रोवोकिंग या क्रिएटिव, कैसे भी क्वेश्चन हैं, मतलब हम डिटेल में, डिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत डिटेल में हम बच्चों से आंसर ले सकते हैं, एनालिटिकल हो सकता है एनालाइज हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, इवेल्यूटिव हो सकता है, थॉट प्रोवोकिंग होते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी कोई राय, कोई अच्छी बात हमें बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हो, या क्रिएटिव, कुछ भी, किसी भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मेन बेसिक पर्पस हमारा पीछे यही रहता है क्वेश्चंस के पूछने में भी, कि हमें टेक्स्ट के बारे में समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए आफ्टर प्रोसेसिंग द आंसर विद इन इट मस्ट बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इट वाज आस्क्ड। जो भी हम
आंसर उसके अंदर से दे रहे हैं वो उस तरह से हो, उस तरह से स्ट्रक्चर्ड हो जैसा कि वो पूछा गया है, मतलब जिस वे में हमें क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से हम उसमें आंसर दें। जो मेन रूल, गोल्डन रूल हेयर इज रीडिंग एक्टिवली, मींस हम एक्टिव होके ध्यान दे के अच्छे से हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हम आंसर भी अच्छे से दे सकेंगे। लर्नर मस्ट नॉट स्टॉप रीडिंग द टेक्स्ट टिल एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट बिकम्स क्लियर टू देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लर्नर जो है, रीडर जो है, तब तक टेक्स्ट को पढ़ना ना छोड़े जब तक टेक्स्ट का हर एस्पेक्ट उसे क्लियर ना हो जाए, उसे समझ ना आ जाए। मेनली लॉन्ग पैसेज जो होते हैं उसमें रीडर कंसंट्रेशन खोने लगता है, मतलब ज्यादा बड़े पैसेज होने की वजह से उसका ध्यान भटकता है, परंतु बारी बारी पढ़ने की वजह से, जो रीडिंग प्रैक्टिस ही है उसी की वजह से उसमें हैबिट ऑफ रीडिंग आएगी, मींस रीडिंग पढ़ने की रीडर को आदत होगी। और सबसे मेन बात यह है कि जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो हमें एक तो मेन आइडिया क्या है उसका वो पता लगाना है, और फिर हमें पहचान करनी है कि इसके सपोर्टिंग आइडियाज कौन से हैं। हालांकि मेन पॉइंट यही है कि हमने मेन आइडिया ढूंढना है, लेकिन हम इसके साथ साथ सपोर्टिंग आइडियाज भी ढूंढेंगे ताकि उनकी वजह से हम मेन आइडिया तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन आंसर जो है, किन्हीं भी क्वेश्चंस का जो आंसर देना है, हमारा जो ये स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट है, ये हमें अपने विचारों में टेक्स्ट में आई हुई बातों को समझने का सही उत्तर देने की क्षमता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिडिक्टिंग। स्टूडेंट्स, प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, मीन्स किसी बात के बारे में पहले ही कुछ सोचना, कुछ अनुमान लगाना। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट के बारे में पहले से अनुमान लगाना, ये मीनिंग है प्रिडिक्टिंग का। प्रिडिक्टिंग इज ए टूल टू अटेंटिव रीडिंग। हमारी अटेंटिव रीडिंग के लिए प्रिडिक्टिंग एक टूल की तरह है, एक सहायक यंत्र की तरह है। प्रिडिक्टिंग हमें अटेंटिव रीडिंग की ओर ले जाता है, उसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। रीडिंग करने से पहले या रीडिंग करते हुए, मींस बिफोर और ड्यूरिंग रीडिंग, वी कुड ट्रेन आवर सेल्फ टू प्रिडिक्ट द टेक्स्ट एंड वुड एंगेज माइंड टू स्टॉप इट फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग टू एनीथिंग एल्स। मींस रीडिंग से पहले या रीडिंग के दौरान हम अपने आप को ट्रेन कर लें कि टेक्स्ट के बारे में हमने क्या प्रिडिक्ट करना है, क्या सोचना है, मतलब टेक्स्ट किस बारे में है, इसके लिए हम अपने आप को ट्रेन कर लें ताकि हम अपने माइंड को इधर उधर भटकने की बजाय एक ही जगह एंगेज करके रखें कि हमने किस बारे में सोचना है। मतलब प्रिडिक्टिंग की वजह से हमारा माइंड एक ही तरफ रहेगा कि हमने क्या सोचना है, किस दिशा में अपना ध्यान लगाना है। बेसिकली प्रिडिक्टिंग गिव्स अस पर्पस टू रीड एंड इट गेट्स आवर माइंड रेडी टू रीड। बेसिकली क्या है कि प्रिडिक्टिंग हमें रीड करने का पर्पस देता है और हमारे माइंड को रेडी करता है, तैयार करता है पढ़ने के लिए। प्रिडिक्टिंग टेक्स्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए हो सकता है, उनमें से कुछ हम जानेंगे, मींस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट सच एज टाइटल ऑफ द टेक्स्ट लेट्स द रीडर प्रिडिक्ट ऑन कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले आता है टाइटल। टेक्स्ट के टाइटल के वजह से रीडर ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसमें जो कंटेंट है वो किस बारे में होगा। सेकेंड वन इज ए रीडर कैन थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट बिफोर हैंड टू। रीडर टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के बारे में भी सोच सकता है उसको अभी डिटेल में पढ़ने से पहले कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट वन इज प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ रीडर हेल्प्स टू प्रिडिक्ट हू। जो रीडर की प्रायर नॉलेज है, मींस जो पूर्व ज्ञान है, जो पहले से उसको पता है, और जो इसका एक्सपीरियंस है, वो भी रीडर को हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने के लिए, सोचने के लिए, ये अनुमान लगाने के लिए कि टेक्स्ट में क्या होगा।
आस्क क्वेश्चन विद इन लाइक हु माइट बी व्हाट माइट हैपन। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम इस बारे में भी अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके बारे में है, क्या हो सकता है, मतलब कि टेक्स्ट के टाइटल से, थोड़ा बहुत टेक्स्ट को देखने से आइडिया हमें लग जाता है कि हम अपने आप से क्वेश्चन करते हुए अनुमान लगा लें कि कौन हो सकता है, किसके बारे में हो सकता है, ये हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग रीडिंग प्रिडिक्शन मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड एंड रिफाइंड टू न्यू अंडरस्टैंडिंग, दिस वुड कीप द रीडर एंगेज्ड। जो हम रीडिंग प्रिडिक्शन करते हैं वो हमें रेगुलरली अपडेटेड करने चाहिए, मतलब हम उसे अपडेट करते रहें, साथ साथ नई से नई बातें जानते रहें, उससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग रिफाइंड होगी और रीडर हमेशा एंगेज रहेगा, मींस रीडर को भी काम मिलता रहेगा और वो ये सोचता रहेगा कि उसने किस तरह का टेक्स्ट पढ़ना है, क्या उसके आगे आ रहा है और उससे उसे क्या हेल्प मिल रही है। तो ये हमारे कुछ मेन एस्पेक्ट हैं, वो बातें हैं जिसकी वजह से हम टेक्स्ट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इन एस्पेक्ट्स की बजाय हम टेक्स्ट का प्रिडिक्शन बहुत फॉर्मली भी कर सकते हैं, मींस अगर टीचर क्लास में कोई भी नई बात पढ़ाने से पहले, कुछ भी नया टेक्स्ट पढ़ाने से पहले अगर स्टूडेंट्स को ये कहे कि आप पहले टाइटल देखो, उसे समझो और जो इस पूरे टेक्स्ट में जो पिक्चर्स आ रही हैं आप उन पे एक नज़र डालिए, ये बहुत ही फॉर्मल वे है पढ़ाने का, टेक्स्ट के बारे में अनुमान लगाने का। तो इसमें क्या होगा, जब बच्चे टाइटल को देखेंगे, टेक्स्ट में जो जो पिक्चर साथ साथ दी हुई हैं उनमें देखेंगे तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और उसके बारे में जब क्लास में थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी तो उन्हें उसका पूरा प्रोसेस और रिटर्न फॉर्म भी समझ में आ जाएगा। ए प्री टेक्स्ट रीडिंग डिस्कशन कैन बी मेड और होल प्रोसेस कैन बी इन रिटर्न फॉर्म टू, जो पूरा प्रोसेस है वो डिस्कशन में बच्चे बना सकते हैं, समझ सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं। मीन्स ये बहुत ही फॉर्मल आसान सा तरीका है जो कि क्लास में टीचर आसानी से करा सकती है और इसके साथ साथ रीडिंग के दौरान स्टूडेंट को टीचर एनकरेज करती रहे कि वो इस तरह की प्रिडिक्टिंग करते रहें, मतलब जो वो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ साथ ये अनुमान लगाते रहें कि आगे क्या आ रहा है। तो इससे क्या होगा, वो अटेंटिवली पढ़ेंगे, मतलब उनका ध्यान उसी टेक्स्ट में, उसी पढ़ाई में रहेगा जो वो पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा टीचर पे डिपेंड करता है कि वो टेक्स्ट किस तरह से क्लास में करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए कैसा एनवायरमेंट दे रहे हैं। ऐसा करने से स्टूडेंट्स भी अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे और वो अच्छे से टेक्स्ट को समझ पाएंगे। प्रिडिक्टिंग इज आल्सो ए प्रोसेस स्किल यूज्ड इन साइंस। ये जो हम प्रिडिक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ये हमारा एक प्रोसेस स्किल भी है जो कि हम साइंस में यूज करते हैं। इस कंटेक्स्ट में प्रिडिक्शन इज मेड अबाउट द आउटकम ऑफ ए फ्यूचर इवेंट बेस्ड अपॉन ए पैटर्न ऑफ एविडेंस। साइंस में अब हम इसका किस तरह से यूज करते हैं कि जो हमारे सामने एविडेंस है, जो हमारे सामने तथ्य मौजूद हैं, उनके अनुसार उसका फ्यूचर में क्या आउटकम होगा, क्या रहेगा, वो हम उसको उन तथ्यों को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर इसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों के सामने कोई बीज उनको दिखाते हैं, बोते हैं, तो अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे स्टूडेंट्स बता सकेंगे कि इसमें कैसे स्प्राउट निकलेंगे, कैसे ये बढ़ेगा। तो ये सब चीजें उनको, क्योंकि बच्चों को पता है कि अगर हम बीज बोते हैं तो उनमें से अंकुर फूटते हैं, पौधा निकल के आता है, ये उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है। तो साइंस में यही चीजें हैं कि हम उनको इस तरह से करेंगे जब
जब बच्चों के सामने दिखाएंगे तो वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे ऐसा ही एक एग्जांपल है, आज का वेदर देख के हम ये बता सकते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं। जैसा हमने आज वेदर देखा, कल का वेदर देखा, हम टेम्परेचर देखते हैं, अपडेट होता रहता है, तो हम देख के बता सकते हैं कि किस तरह का क्या आगे हम इसके वेदर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। टीचर जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करती है ये सब एक्टिविटीज जो करवा रहे हैं, ये सब स्किल डेवलपमेंट के लिए होती हैं। तो यहाँ पर टीचर ये हेल्प करती हैं कि वो प्रिडिक्शन में रीडिंग के दौरान कनेक्शंस भी वो कर सकते हैं, आपस में मैटर को कनेक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह से प्रिडिक्टिंग वाइल रीडिंग एंड प्रिडिक्टिंग इन साइंस, ये जो दो बातें अभी हमने समझी, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शंस है, ये सब टीचर बहुत आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे होगा। स्टूडेंट्स विल नॉट नेसेसरली मेक दिस कनेक्शन इंडिपेंडेंटली, सो टीचर टॉक एंड क्वेश्चनिंग आर इम्पोर्टेंट। क्या है कि स्टूडेंट्स नई नई चीजें सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इन कनेक्शंस को इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप से स्वतंत्र रूप से जल्दी से सीख जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को टीचर की हेल्प की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर की टॉक है, जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसके साथ साथ उसमें क्वेश्चनिंग, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे उनको इनके कनेक्शन के बारे में पता लगे, वो समझ सके कि किस तरह से इसमें टेक्स्ट में क्या क्या बातें आ रही हैं, और फिर बच्चे उसे प्रिडिक्ट कर पाएं, समझ पाएं। साइंस के एग्जाम्पल के साथ साथ और भी आसान तरीके हैं जो टीचर क्लास में प्रिडिक्शन के लिए करवा सकती हैं। जैसे टीचर क्लास में ग्रुप्स बना दें और उनको ग्रुप वर्क के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए कहें, पूर्वानुमान लगाने के लिए कहें, भविष्यवाणी लगाने के लिए कहें। उसमें क्या है, जैसे एक क्लास में टीचर ने 5 या 10 ग्रुप बना दिए और वो ऐसे भी पूछ सकती हैं कि आइडिया मुझे आप अपना अपना बताओ कि ये ग्रुप कैसा काम करेगा, मैंने कोई काम दिया, कुछ भी बता के दे सकते हैं। तो बच्चों से इस तरह से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं और अपनी प्रिडिक्शंस को वो शेयर कर सकते हैं। तो इससे डिस्कशन होगी, तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये हमारे जर्नल्स में और लर्निंग चार्ट्स वगैरह इस सब में भी हो सकता है। और इसमें क्या है कि जैसे ये सब प्री सिलेक्टेड है, स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं, टीचर स्टूडेंट्स को पहले ही टीचर के सामने डिस्कस हो चुका है, टीचर को पता लग चुका है कि बच्चे किस बारे में कैसा सोच हैं, तो वो उसे स्टूडेंट्स के इन प्रिडिक्शन को और रिफाइन कर सकती है, रिवाइज करके वेरीफाई कर सकती है कि वो किस तरह से बच्चे किसी टेक्स्ट के बारे में क्या प्रिडिक्शन करेंगे। मेनली ये है कि यहाँ पर हम ये बात क्लियर करेंगे कि टीचर का यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उन्हें गाइड करे, उन्हें हेल्प करे कि वो किसी टेक्स्ट के बारे में प्रिडिक्शन कैसे करें ताकि उसका उनमें ध्यान रहे, बच्चे ध्यान से टेक्स्ट करें और सही प्रिडिक्शन कर सकें। मेनली बात यह है कि स्टूडेंट जो टेक्स्ट के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम, वो है हमारा कमेंटिंग। कमेंटिंग का मीनिंग होता है टिप्पणी करना, मतलब हमने जो टेक्स्ट पढ़ा उसके बारे में हमने अपने कमेंट्स देने हैं, और कमेंट्स जो है वो हमारे जजिंग पे बेस होते हैं, मींस हमने क्या जज किया, क्या देखा, क्या समझा। कमेंट्स आर नॉट जस्ट आर्बिट्रेरी रिमार्क बट बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, मींस कमेंट्स सिर्फ हमारे आर्बिट्रेरी रिमार्क्स नहीं हैं, बल्कि हमारी वैल्यू जजमेंट है, मींस हमने क्या जज किया उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। लिंग्विस्टिक तो ये भी कहते हैं दैट कमेंटिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट टू बी एबल टू मेक ए कमेंट, मींस कमेंटिंग जो है उसमें हमारा डीकंस्ट्रक्टिंग इन्वॉल्व होता है। डीकंस्ट्रक्टिंग का जो प्रोसेस है अभी हमने पीछे समझा था डीकंस्ट्रक्टिंग क्या है, डीकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट जो है वो प्रोसेस हमारा इन्वॉल्व होता है कमेंटिंग में, जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम कमेंट कर पाए। इस वजह से कमेंटिंग का जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसमें इसके साथ साथ क्या आता है, एनालाइजिंग, विजुअलाइजिंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग एंड देन मेकिंग ए जजमेंट,
मतलब जो हमने स्टार्टिंग से हम पॉइंट्स करते चले थे, जो हमारा एनालाइजिंग है, विजुअलाइजिंग है, समराइजिंग है, फिर प्रिडिक्टिंग है, उसके बाद हम जजमेंट पे आते हैं, जजमेंट पे हमने कमेंट्स देने हैं। तो ये हमारी स्किल ये डेवलप होती है कि हमने किस तरह से टेक्स्ट को समझते हुए अपने जजमेंट देने हैं। यहाँ पे ये और एक मेन बात है कि जो स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज है और जो हमारा एक्सपोजर है टेक्स्ट का, मींस जो स्टूडेंट ने किस तरह से टेक्स्ट को पढ़ा है, समझा है, और जो उसकी पहले की नॉलेज थी, वो कमेंटिंग पर एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। मींस स्टूडेंट की पहले की नॉलेज का और उसका टेक्स्ट में एक्सपोजर किस तरह से हुआ, किस माहौल में उसने समझा, कैसे उसने उसके मीनिंग को समझा, ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो जाता है हमारा कमेंटिंग पे। द हिडन सिमेंटिक्स, राइटर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड इजिली। ये सारी चीजों को फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि राइटर की क्या चॉइस थी वर्ड्स की, कैसे उन्होंने शब्द चुने, बैकग्राउंड क्या था, हिडन सिमेंटिक्स क्या था इस टेक्स्ट में, तो हम इस वजह से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है, जब ये सारी बातें समझ लेता है, फिर स्टूडेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, मीनिंग, मैसेज और टेक्स्ट का क्या इम्पैक्ट है, उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे देता है। ये सब समझने के बारे में मेनली कमेंट्स वुड आल्सो वेरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टेक्स्ट, बी इट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन और पोएम और प्रोज और एनी अदर काइंड। हालांकि कमेंट्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, टेक्स्ट के जो बेस है या टेक्स्ट का जो भी मतलब किस तरह से वो कौन सा टेक्स्ट है, उसकी वजह से हमारे कमेंट्स डिफर कर सकते हैं। जैसे मतलब कैसे टेक्स्ट का मतलब है कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है या कोई पोयम है, प्रोज है या किसी और तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कमेंट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट का। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पे, जो कि है डिस्कशन। डिस्कशन होल्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन कॉम्प्रिहेंडिंग ए टेक्स्ट। Discussion not only helps in understanding the text but also helps the learner to acquire the skill of presenting personal arguments properly. Means, जो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं डिस्कस करने की, डिस्कशन की, इसका टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ये जो डिस्कशन होता है, मींस आपस में टीचर का, स्टूडेंट्स का टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन करना, आपस में स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ करना, रीडर्स का आपस में करना, ये सिर्फ टेक्स्ट को समझने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि लर्नर को स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग पर्सनल आर्गुमेंट्स प्रॉपरली, ये स्किल डेवलप करता है कि हम अपने पर्सनल जो आर्गुमेंट्स हैं उनको हम प्रॉपरली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मींस जो लर्नर है, जो रीडर है, उसके टेक्स्ट के बारे में जो भी पर्सनल आर्गुमेंट्स हैं वो उसे किस तरह से प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकता है, और ये स्किल उसे बाद में भी काम आता है, कहीं भी किसी भी जगह वो अपने पर्सनल आर्गुमेंट्स अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। तो डिस्कशन वाले पॉइंट में हमारी स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग पर्सनल आर्गुमेंट, ये स्किल डेवलप होती है। तो डिस्कशन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्कशन इज डिजाइन टू हेल्प पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड पर्टिकुलरली टू सी हाउ मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड सपोर्टेड बाय द आइडियाज ऑफ अदर्स। डिस्कशन मेनली जो है वो इसलिए डिजाइन किया गया है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो रीडर है, वो टेक्स्ट के मीनिंग को अच्छे से समझे और पर्टिकुलरली ये देखे कि जो मीनिंग है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है जो कि दूसरे की आइडियाज हैं उनकी वजह से। डिस्कशन में मेनली रीडर अपने विचार रखता है, टीचर उसके बारे में उन्हें या तो अगर ठीक है तो उसे बताती है, नहीं तो उन्हें सोचने पे, समझाने पे ये कराती है कि किस तरह से वो उस टेक्स्ट का सही से मीनिंग निकाले। डिस्कशन
जनरली हम देखें, अगर हम किसी भी मुद्दे पर किसी से भी आपस में हम डिस्कस कर लेते हैं, चाहे हमारी कोई प्रॉब्लम है चाहे कोई नई बात है, तो उसका हमें बेटर रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो इसी तरह से टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी डिस्कशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमने उसके मीनिंग को समझना है, हमने ये देखना है कि उस टेक्स्ट का मीनिंग है क्या, पर्टिकुलरली ये देखना है कि मीनिंग कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है, कैसे सपोर्ट मिल रही है उसे। तो ये हम आपस में, रीडर्स भी आपस में या टीचर के साथ डिस्कशन करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंड के बारे में, वो इंडिकेटर्स जो इसमें हेल्प करते हैं, टेक्स्ट को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।